और जो पराए मर्द के साथ गांव चली गई उसकी विवाहिता होकर रह गई। बुरांश का फूल जब फूलता है चैत के महीने में तो सारा पहाड़ ऐसा लगता है लाल रंग में रंग गया हो। इसका शरबत भी बनता है जो लोग पीते हैं। इसका गंध इसमें नहीं होती नाम मात्र की, हल्का कसैला मीठा स्वाद होता है। नेपाल का यह राष्ट्रीय पुष्प है और जब बुरांश महोत्सव मनाया जाता है कौसानी में तो ऐसा लगता है कि सारा पहाड़ कुमाऊं हो उत्तराखंड हो नेपाल हो इकट्ठा हो गया है। और इस महोत्सव में लोकगीत होते हैं, लोक संस्कृति होती है, यहाँ का खाना होता है और उस खाने के साथ जुड़ी यादें होती हैं। तो मुझे लगता है त्रिश कपूर बुरांश में बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने महोत्सव शुरू किया है।